दादा, क्या करेंगे इस पानी से? इससे जो है, इस जमीन के ऊपर ये एक शहतूत का पेड़ है। इस शहतूत के पेड़ से जितने भी बीज गिरे थे, ये छोटे छोटे शहतूत के सीडलिंग्स निकल आई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, आप जैसे ये देख रहे हैं ना, ये है। तो इसको तरीका ये होता है कि इसमें हम पानी डालते हैं, ओके, ताकि ज़मीन सॉफ्ट हो जाए, है ना, ये सॉफ्ट हो जाती है, इसको सॉफ्ट हो जाती अच्छा, है। अच्छा, एकदम से नहीं उखाड़ना? नहीं, एकदम से नहीं, थोड़ी सी इसको देख छोड़ दें ताकि पानी जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाए। ठीक है, आप जैसे ये है, नरम हो जाए। हाँ, नरम हो जाए, मिट्टी नरम हो जाए, है ना। अब देखिए, ये वाला है, ये शहतूत है। शहतूत एक बहुत अच्छा पेड़ होता है, ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छा होता है और गिलहरियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मतलब पक्षी इस पे घोंसला बनाते हैं या इसको खाते हैं? खाते हैं, घोंसला बनाते हैं। स्क्विरल्स जो हैं वो भी बहुत, ये देखिए, ये सॉफ्ट था तो ये जड़ के साथ मैंने निकाल दिया, ओके, ठीक है। तो इसको फिर हम नर्सरी बैग में डाल के खाद वाली मिट्टी के साथ, अभी वहाँ पे असगर वो जो कर रहे हैं वो पौध लगा रहे हैं। अच्छा, वो उखाड़ उखाड़ के दे रहा हूँ उनको, है ना, निकाल के दे रहा हूँ, तो फिर वो लगा रहे हैं। अभी कुछ देर से वो भी यही कर रहे हैं। आ जाओ निधि, आप भी निकालिए। ये निकाल लिया मैंने, हाँ, पूरा जड़ समेत। गुड गुड गुड, ओके। सब पानी डाला हुआ है, पानी छिड़क के, ये है। अभी इस जमीन पे कई सौ शहतूत के पेड़ लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं। ये देखिए, इसकी जड़ ऐसे होती है, ये देखिए जड़ है ना, ये देखो जड़ ऐसी, ओके, है ना। तो कोशिश करनी होती है, इसको ध्यान से उखाड़िए। आसपास की जड़ें तो टर्शरी सेकेंडरी रूट्स टूट जाती हैं, लेकिन अगर टैप रूट इंटैक्ट है तो इसको हम दोबारा, टैप रूट कौन सी होती है? ये जो टैप रूट है, मतलब मेन रूट, टैप रूट का मतलब मेन रूट, ओके, ठीक है। अब जैसे ये वाला पौधा, अब हम इसको निकालेंगे। ये प्रैक्टिस की बात होती है, धीरे धीरे आ जाता है, आपको करना आ जाएगा। ये देखिए, ये सीधा टैप रूट से, वाओ, है ना, आदत की बात होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से हम पीपल की पौध निकालते हैं, पिलखन की पौध निकालते हैं, जामुन की निकालते हैं, आम की निकालते हैं, इस तरह से। बकैन बहुत अच्छा पेड़ होता है, बकैन की पौध भी इसी तरह से निकाली जाती है। और थोड़े दिन में ये पौधा फिर हमारे लिए एक छायादार पेड़ बन जाएगा। बिल्कुल, ये आप 3 साल बाद इस छोटी सी सीडलिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ओह ग्रेट, यस। और ये जितने भी सीडलिंग्स यहाँ पे हैं, ये हमने मतलब खुद कुछ नहीं किया, हमको नेचर ने अपने आप दे दिया। ये वाइल्ड है, है ना, नेचर गिफ्टेड। पीछे सारा जंगल का एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। ये थोड़ा सा सफाई करके हम यहाँ नर्सरी बना रहे हैं। नर्सरी इसलिए बना रहे हैं ताकि ये जो वेस्ट ना हो, ये जितने भी यहाँ से हम बीज इकट्ठे कर रहे हैं और पौधे इकट्ठे कर रहे हैं, उसको आप इधर आइए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे असगर जो है ये भर रहा है। ये यमुना जी का किनारा है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो रेत वाली है, ओके। लेकिन हमने इसमें, अगर आप देखेंगे, ये जो डार्क एरिया है, ये पूरा खाद हमने डाली है इसके अंदर, ओके। अभी और खाद डालनी पड़ेगी। तो ये पौध इस तरह से हम ला के असगर भाई को देते हैं, फिर असगर जो है नर्सरी बैग्स में मिट्टी डालते हैं, खाद डालते हैं, और जड़ को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करके इसमें। असगर, आप एक बार हमें बताओगे कैसे बना रहे हो आप ये? आप बताइए, सैपलिंग बैग। मैं थोड़ी बहुत खाद लेकर आता हूँ, असगर आप इनको समझाइए।